पंजाब के डीजीपी सुरेश रोड़ा ने साफ किया है कि मोगा पार्सल विस्फोट का आतंक या आतंकी कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। लुधियाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि अभी तक ये जांच में सामने आया कि ये कुछ उनका आंतरिक ही कुछ लगता है और इसकी जांच जारी है। इसके पीछे किसी आतंकी साजिश होने के सवाल पर डीजीपी बोले, नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। वही मकसूदा विस्फोट बारे उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई नया अपडेट नहीं है तथा ये मामला भी जांच के अधीन है। वही उन्होंने पंजाब की शांति को चेतावनी बारे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है तथा पंजाब के लोग जानते हैं कि ऐसे तत्वों को कैसे जवाब देना है। जैसे पॉलिटिकल कोई पार्ट की गल करते हो ना, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू यू नो कमेंट ऑन दैट। एज फार एज पंजाब पीस इज कंसर्न्ड, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज आवर बेसिक जॉब एंड पंजाब पुलिस इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। We will maintain law. देखो इस तरीके की जो ऑपरेशन होंगी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी है, पॉइंट इज के भी जब भी सू कुछ इस तरीके का पता लगता है असं उस कार्रवाई जरूर करते हैं। And we take corrective action. Sir, oh, we are getting legally examined. Sir, जलंधर में बम ब्लास्ट हुआ था ना एक वीक, सर जलंधर में हुआ, उस पे कोई नया सर अपडेट आई है? नहीं, हले कुछ नहीं, हले अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर मोगेम भी एक वो जरा मोगे वाला है का, वो इनफैक्ट जो सर तक इन्वेस्टिगेशन है वो एक अपना उनका इंटरनल कुछ लगता है एंड देयर इज प्रोग्रेस। सर कोई साजिश तो नहीं है आतंकवाद मुखाने कोशिश कर रहा है? नहीं, देयर इज अ प्रोग्रेस आल्सो, उधर ना कोई रिलेटेड नहीं है। सर जैसे ड्रग नु बड़ा इशू बनाए रखा हर पार्टी ने, तो मुझे लगता है ये पंजाब पुलिस आतंकवाद को खत्म करने की सक्षम रही है, ड्रग बड़ा इशू नहीं है खत्म करना पंजाब पुलिस ने? देखो थोनू पता हूं लेटेस्ट एसटीएफ जड़ी हैगी वो पंजाब पुलिस मर्ज हो गई है। पिछे असी दो दिन पहले एक मीटिंग भी की थी डीजी एसटीएफ नाल, हुन आने वाले असी नेक्स्ट वीक दे विच एसटीएफ ते असी सारे इकट्ठे मिलके एक यूनाइटेडली असी इस उत्ते काम करांगे एंड आई एम श्योर के अच्छे रिजल्ट्स निकले। सर पंजाब दी थ्रेट पुलिस नु कोई थ्रेट तनी है? मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। पंजाब दी पुलिस नु कोई थ्रेट तनी है? पुलिस ऑफ पीस, पीस पीस, ओके। नहीं मैं तो नहीं कह रहा पंजाब दी पीस नु एज सच कोई थ्रेट नहीं है, और पंजाब पुलिस और पंजाब दे लोकी वो इन्ने सक्षम है गे कि अगर कोई यह जी कोशिश करे तो उन्होंने पता भी किमें ऐसी पीस मेंटेन रखनी। सर श्रोमणी अकाली दल लगातार एसएसपी मुक्तसर के एलीगेशन लगा रही है ते आने वाले टाइम दे विच जो सरकार दे नतीजे भुगतन लई कह रही है, पंजाब पुलिस इस नु किस तरह दे रही है ते कोई एक्शन उन्होंने दे उत्ते लै रहे हैं? देखो इस साहब पंजाब पुलिस ना एक कमां दे विच जो कोई इससे कुछ कोई गल करे ठीक है, वी डोंट बॉदर मच अबाउट दिस थिंग्स। सर एआईजी ऊपर दे ऊपर जो केस होया ते हुन दे इन्वेस्टिगेशन होंदी है वो इन्वेस्टिगेटिंग एसआई दा काम होंदा है, एज पर लॉ उन्होंने करना होंदा है, पॉलिटिशियंस दा अपना एक स्टेटमेंट होंदा है, साड़ी एक अपनी कार्रवाई होंदी है। लेकिन अकाली दल दे दबाव तां जिदा कर रही है पार्टी या पुलिस नूं डराने दी कोशिश कर रही पुलिस अधिकारियों नूं? नहीं नहीं, वो दबाव हो गया पंजाब पुलिस के दबाव थले आंदी इसकी गल कर नहीं, उसे सिक्योरिटी जो कैमरे कुमरे साढ़े नहीं जो फंक्शनल से वो सारे असर ठीक कराए और इंस्ट्रक्शन इशू की जी है जो भी चीज़ अंदर कोड ऑफ कंडक्ट आती है उससे कार्रवाई तो होंगी है। आफ्टर वी आर पब्लिक सर्वेंट साडा अपना कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, एनीथिंग विच इज नॉट इन आर कोड एज पर वॉयलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट डिपार्टमेंट एलेक्शन से तो मतलब मैं देखी नहीं है, पर सीपी साहब है गए एग्जामिन कर लेंगे। जागती लड़के लिए लुधियाना से सुरेंद्र रोड़ा की रिपोर्ट।